नमस्कार अपन सर अपन घर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं रूपाली। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। समस्तीपुर उजियारपुर थाना क्षेत्र परिसर में जब्त 175 लीटर शराब को नष्ट किया गया। समस्तीपुर के मगरदही में खुशबू कुमारी राय के यहाँ एक बैठक हुई। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के साथ विमर्श के आलोक में जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। मुख्यमंत्री कैसा हो? खुशबू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनु कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। त्रिपुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टीम कमेटी का विस्तार करते हुए नूर आलम जी को जिला का सचिव बनाए हैं और टुनटुन कुमार शाह जी को भी जिला का प्रभार दिया गया है और मुकेश कुमार जी को जिला का महासचिव बनाया गया है। हम लोग संकल्प के साथ आज अखिलेश जी के आवास पर और खुशबू कुमारी जो मुखिया जी हैं और युवा के प्रदेश महासचिव हैं उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई। यहीं हम कमेटी का विस्तार किए और हम लोग 24 तारीख के कर्पूरी जयंती में यहां से हजारों हजार की संख्या में मिलर हाई स्कूल पर सभी लोग पहुंचेंगे और 2019 में फेकू प्रधानमंत्री जी को हटाना है और बिहार का मुख्यमंत्री 20 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बनाना है। समस्तीपुर माल गोदाम चौक पर लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई। देश चुनावी समर में है और समस्तीपुर जिला उसमें अछूता नहीं है। उसकी तैयारी अल्पसंख्यक सेल समस्तीपुर और महिला सेल समस्तीपुर ने संयुक्त रूप से की है और हम आपके माध्यम से अपने जिला अध्यक्ष फिरोज और महिला सेल की रीना सहनी और तमाम लोक जनशक्ति पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने प्रदेश अध्यक्षा नीलम जी का, जिन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस कार्यक्रम में आने का कष्ट किया। समाहरणालय का किया घेराव, रसोईया यूनियन अपनी मांगों को लेकर। 16 सूत्री मांग है, संयुक्त आंदोलन है। बिहार में जितना भी रसोईया से जुड़ा हुआ संगठन है वो तमाम संगठन बैठ के निर्णय किया है कि जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जो रसोईया है वो मर जाता है उसको 4 लाख रुपया का अनुदान राशि एक महीना के अंदर भुगतान नहीं किया जाएगा और जिस तरीका से दमन हो रहा है वो दमन नहीं रोका जाएगा, तो ये हड़ताल हमारा जारी रहेगा। आप जान लीजिए कि बिहार में बिहार की सरकार के द्वारा 176 रुपया का न्यूनतम मजदूरी घोषित है लेकिन इस रसोईया को मात्र 34 रुपया के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी मिलता है जो बेगार के रूप में है। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन की राज कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम गरीब के लिए काम, सबका विकास, सबका साथ, लेकिन यह रसोईया जो देश के भविष्य को ताज़ा खाना बना के खिलाता है उसको मात्र 34 रुपया यह सरकार देती है। यह बहुत निंदनीय है और यह अपमानजनक है। इनको जिंदा रहने के लायक वाजिब मजदूरी जो 45वां और 46वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में जो घोषित हुआ है उसके मुताबिक इनको सरकार पैसा दे, यह डिमांड हम लोग जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं बल्कि श्रम सम्मेलन के फैसला के अनुकूल हम लोग। अभी जो डीएम साहब के पास गए उन्होंने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि मानदेय से संबंधित जो मामला है वो मामला हम अभी तुरंत बिहार सरकार को अग्रसारित करते हैं, बिहार सरकार इस पर में निर्णय लेगी, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं। हम नहीं इंकलाब जिंदा बहुत जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम तो हम एक हैं। दो पक्षों में हुई मारपीट से घायल लोगों ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र बरहेता भट्टी चौक पर किया जाम, न्याय की मांग को लेकर। यहाँ पे घटना यह हुई है, अगला मजदूर है, मजदूरी किया था, खेत में धान रोपा था, धान का पैसा मांगने गया, पैसा मांगने के कारण मारा गया, रिक्शा चलाने जा रहा था दरभंगा, मजदूरी करता है, ऊपर से उतार के मार करके हत्या में फेंक दिया गया।
आपको कब जानकारी मिली थी? कल शाम को जब हुआ यहाँ से जनता जब गया उसके बाद उसको मारना छोड़ा। आपका नाम? मेरा नाम रंजन कुमार। कितना जमा है? कितने सप्ताह में? 17 सप्ताह में। एक सप्ताह में 17 सप्ताह। वह बैजनाथ दास के यहाँ पिछले साल धान रोपने के लिए मजदूरी किया था, जिसका वो पैसा मांग रहा था। पैसा मांगने के क्रम में उस पर जो है जबरदस्ती यहाँ भी उसके साथ मारपीट किया गया। यहाँ समाज के लोग बुझा समझा करके उसको अलग कर दिए, हटा दिए। उसके बाद जा रहा था मजदूरी करने दरभंगा, महादेव स्थान चौक पर हथियार से लैस होकर के लाठी डंडा रॉड लेकर के बाइक से 8-10 लड़का गया और उसको मैजिक से घींच करके वहाँ पर इतना बुरी तरीके से उसको मारा है कि वो बचने के स्थिति में नहीं है। और कल से प्रशासन को जब ये दिया गया मीटर तो प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लिए और प्रशासन हाथ पर हाथ धरते बैठे रहे। उसको पीएससी में भर्ती कराया गया, पीएससी में उसका इलाज नहीं हुआ ढंग से, फिर वहां से रेफर कर दिया गया दरभंगा। डीएमसीएच में भी उसका इलाज नहीं हुआ, वहां से रेफर कर दिया गया पीएमसीएच। जब उसके पास पैसा है ना, उसको बच्चे के खिलाने के लिए उसके पास दाना है और वो समूह भरता है, वो आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति है। आखिर बताइए नीतीश के शासन राज में ये कैसा जो है से न्याय है कि एक गरीब को गांव के ही दबंग लोग पकड़ करके मार करके घर से घींच करके पीटे मारे और उस पर इस तरह का अत्याचार हो, जो प्रशासन कुछ करे और जनता कुछ करे। घायल का क्या नाम है? घायल का नाम दिनेश कुमार राम हुआ। उम्र कितना है? उम्र उसका होगा 35 साल।